हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज टेरिटोरियल आर्मी एंड हाउ एन एस्पिरेंट कैन जॉइन टेरिटोरियल आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1949 में टेरिटोरियल आर्मी इस्टेब्लिश हुआ था और हर साल 9th ऑफ अक्टूबर को टेरिटोरियल डे मनाया जाता है। इस आर्मी की सबसे खास बात यह है कि आप अपने करंट जॉब या बिजनेस के साथ साथ टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये आर्मी उन लोगों के लिए है जिनके अंदर कर गुजरने का जुनून है। टेरिटोरियल आर्मी इंडियन आर्मी का हिस्सा है। इसका मेन एम इंटरनल फोर्स की हेल्प करना और इंडियन आर्मी को सपोर्ट करना है, और ये इंडियन आर्मी की बैकअप फोर्स की तरह काम करती है। अगर बात करें सेलिब्रिटीज की, तो कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन किया है, जिनमें महेंद्र सिंह धोनी जो कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, कपिल देव, अनुराग ठाकुर जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सचिन पायलट जो कि एक पॉलिटिशियन है, और ऐसे बहुत से नाम शामिल हैं जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन किया है। टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपका इंडियन सिटीजन या एक्स सर्विस ऑफिसर होना जरूरी है। और अगर बात करें फीमेल एस्पिरेंट्स की, तो जनवरी 2018 में हाई कोर्ट ने विमेन एस्पिरेंट को भी टेरिटोरियल आर्मी में रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट एज पर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन टेरिटोरियल आर्मी एक्ट 1948 के तहत एलिजिबल बनाने का फैसला लिया था। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपका एज 18 टू 42 इयर्स के बीच होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। फिजिकल मेडिकली फिट के साथ साथ आपका गेनफुली एम्प्लॉयड होना या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होना जरूरी है। आपको कोई भी जानकारी जानने के लिए आप टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in को विजिट कर सकते हैं। अगर बात करें इंटरव्यू प्रोसीजर की, तो टेरिटोरियल आर्मी में सिविलियन कैंडिडेट्स और एक्स सर्विस ऑफिसर्स का सिलेक्शन का प्रोसेस अलग अलग होता है। सिविलियन कैंडिडेट्स का पहले रिटन एग्जाम देना होता है, और रिटन एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद आपका PIB इंटरव्यू होता है। अगर बात करें एक्स सर्विस ऑफिसर्स की, एक्स ऑफिसर्स का रिटन एग्जाम नहीं होता है, उनका सिलेक्शन डायरेक्टली आर्मी सिलेक्शन बोर्ड दैट इज ASB बोर्ड के द्वारा होता है। और अगर बात करें ट्रेनिंग की, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कमीशन मिलने से पहले साल में 1 month का बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद पहले 2 साल के अंदर IMA देहरादून में 3 months की पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग दी जाती है। और टेरिटोरियल आर्मी में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की पहली रैंक लेफ्टिनेंट की दी जाती है। तो ये थी टेरिटोरियल आर्मी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आप टेरिटोरियल आर्मी या डिफेंस रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, जिससे आपको टेरिटोरियल रिटन एग्जाम्स क्लियर करने में हेल्प करेगा। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर SSB क्रैक एग्जाम्स चैनल। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।